फाइनली यहाँ पर हमारे एटीएम से मैंने पैसे विड्रो कर लिए और इंस्टेंट ये मेरा विड्रो हो गया। क्या आपको ट्रांजेक्शन करने के टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, कौन कौन सी सेटिंग्स को ऑन करना होता है, क्या करना होगा तब जाकर के आपका एटीएम से विड्रो करना पड़ेगा, कितने लिमिट का आप कितना पैसा आप कैश में विड्रो कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो आप लोग लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर आपके पास भी HDFC बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, जैसे मेरे पास यहाँ पे HDFC बैंक के 3 क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर जो है HDFC बैंक का पेटीएम वाला क्रेडिट कार्ड है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर HDFC बैंक का टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड है, साथ में HDFC बैंक का 6E रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड है। बेसिकली अगर आप किसी भी इन तीनों क्रेडिट कार्ड या HDFC बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड से एटीएम पर जाकर कैश विड्रॉ करने जाने की सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, फटाफट से चलते हैं एटीएम पर। सबसे पहले आपको कैश विड्रॉ करके दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे की। अगर आपके पास भी HDFC बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है ना, तो आज आपको बताने वाला हूँ एटीएम विड्रॉ कैसे करते हैं और कितने चार्जेस यहाँ पर आपको एटीएम विड्रॉ के देने पड़ेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लाइव आपके सामने विड्रॉ करने वाला हूँ। तो चलो फटाफट से, अब देखो ये जो कार्ड होता है ना, उसको सबसे पहले आपको जो स्ट्रिप वाला साइड है वो इधर आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है, इस कार्ड को ऐसे आप इंसर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो कुछ प्रोसेस बोलेगा, वो सारा प्रोसेस आपको कर लेना। यहाँ पर आपको सबसे पहले कार्ड का आपका जो पिन है वो यहाँ पर पिन डाल देना। तो जैसे भी जो पिन यहाँ पर डालना है वो पिन यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। फिर पिन एंटर करने के बाद प्रेस एयर पे कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो कैश विड्रॉ वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना। कैश विड्रॉ वाले बटन पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद ये बोलेगा क्रेडिट है, सेविंग है, तो ये सारी चीज़ डाल दीजिएगी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्रेडिट वाले बटन पर मैंने टैप किया। अमाउंट जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल केवल 2000 रुपये निकालने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2000 रुपये डाल दिए। ठीक है, उसके बाद यस वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। सो यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो मेरा प्रोसेस किया जा रहा है, ट्रांजेक्शन मेरा प्रोसेस मैं यहाँ पे होने देता हूँ। जैसे ही मेरा ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगा, यहाँ पर आप देखिएगा मुझे यहाँ पर जो है मेरा यहाँ पर पैसा निकल चुका है। यहाँ पर मेरे 2000 रुपये जो है आसानी से यहाँ पर मेरे 2000 रुपये निकल चुके हैं। देखो ये 2000 रुपये जो मैंने निकाले हैं, फाइनली हमने हमारे 2000 रुपये निकाल लिए एटीएम से। अब यहाँ पे कितने चार्जेस लगे हैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले हमने आपके पास अगर वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड है उस पर वीडियो बनाया कितने चार्जेस लगते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड पे जाकर के वीडियो बनाया, लाइव आपके सामने विड्रॉ करके दिखाया, उसे देख सकते हैं। इसके अलावा SBI का वीडियो बनाया था जिसको काफी लोगों ने सपोर्ट किया, काफी अच्छा प्यार दिया, तो उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। और मोस्ट पॉपुलर जो बोलता है कि IDFC फर्स्ट बैंक से क्रेडिट कार्ड तो बैंक ट्रांसफर कर लो, ATM पे जाकर के कैश निकाल लो, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इन चारों वीडियो को भी जरूर से देखिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अभी बात करते हैं यहाँ पर HDFC बैंक के अगर क्रेडिट कार्ड से ATM पे जाकर के आप कैश विड्रॉ करते हो, उसके इसमें आपको क्या चार्जेस देने पड़ेंगे, कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। देखो अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलो यहाँ पे बात फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्जेस आपसे दो तरीके से लिए जाते हैं, कैश एडवांस फी के रूप में और फाइनेंस चार्जेस के रूप में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कैश एडवांस फीस। अब कैश एडवांस फीस क्या होता है, यहाँ पर आपको हर बैंक के हर क्रेडिट कार्ड पे अलग अलग कैश एडवांस फीस होती है, हर बैंक का एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर जो HDFC बैंक है ये कहता है कि भैया हम आपसे जो भी आप कैश विड्रॉ करोगे उसका 2.5% आपसे मिनिमम चार्जेस आपसे लेंगे ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर मिनिमम जो है वो 500 रुपीज है। यानी कि आप यहाँ पर अगर 10,000 रुपए ATM से निकालते हो तो 2.5% के हिसाब से आपको 250 रुपए चार्ज देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिनिमम आपको 500 रुपए का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। चाहे आप 1,000 निकालो, 5,000 निकालो, 10,000 निकालो, 20,000 निकालो, तो आपको 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। 20,000 में भी 500 रुपए ही होता है 2.5% के हिसाब से, और अगर 20,000 से प्लस निकालते हो तो आपको जो 2.5% के अकॉर्डिंग चार्जेस होगा वो आपको, यानी कि दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पे भैया कितना लिमिट हम निकाल सकते हैं। देखो हर बैंक की क्रेडिट कार्ड पे आपको जो टोटल लिमिट मिलती है ना, जैसे मान के चलो मेरे को एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें मेरे को लिमिट मिली हुई है 1,00,000 रुपए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कैश एडवांस के रूप में यानी कि कैश विड्रॉ के रूप में केवल और केवल 15,000 रुपए निकाल सकता हूँ। किसी बैंक में 10,000 रुपए होता है, किसी पे 15%, किसी पे 10%, किसी पे 20%, सब बैंक का अलग क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर आपको जितनी लिमिट मिली है उसका 10-20% तक आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है ना कैश एडवांस फीस के साथ साथ में यहाँ पे फाइनेंस चार्जेस भी देने पड़ते हैं, यानी कि जिस दिन आपने कैश विड्रॉ किया उसी दिन से आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगने लगते हैं। तो भैया पहली बात तो मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये मैं केवल वीडियो बनाने के पर्पज से ये चीज बता रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग जो है
क्रेडिट कार्ड से जाकर के एटीएम से पैसे निकालो भैया बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक काम है। लेकिन अगर एनी इमरजेंसी में आप फंसे हो जहां पर आपके पास कैश के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, सबसे बेस्ट तो ये कि ऑनलाइन आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर रेंट पेमेंट या ट्यूशन फी या और भी अदर पेमेंट मेथड है जहां से आप 1-2% देकर के एड मनी कर सकते हो तो वो जरूर कर सकते हो। बट अगर आपको हार्ड कैश ही चाहिए तो भैया आप एटीएम से भी विड्रॉ कर सकते हो, इसलिए आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो यहां पर अगर हम बात करें, देखो यहां पर जो कोई से भी वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड होगा ना, एचडीएफसी बैंक की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, चाहे आपके पास इन्फिनिया हो इन्फिनिया मेटल हो, तो यहां पर आपको मिनिमम जो है मंथली 1.99% का आपको चार्ज यहां पे देना, यानी कि ईयरली आपको अराउंड 24% का चार्ज देना पड़ेगा। टाटा न्यू इन्फिनिटी होता है तो यहां पर आपको 3.49 यानी कि ईयरली अराउंड 42% का आपको चार्ज यहां पर देना पड़ेगा। और पेटीएम एचडीएफसी बैंक मोहना, इसके अलावा टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड, जैसे मेरे पास टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है, इसके अलावा ऑल अदर वेरिएंट पे आपको 3.6% मंथली यानी कि साल का 43%, यानी कि अगर आप यहां पर सोच सकते हैं कि अगर आप यहां पे 10,000 रुपए निकालते हो, अगर एक साल तक उसको निकाले तक वो जमा नहीं कराते हो ना, एक साल में आपको 43% का चार्ज लग सकता है। तो भैया क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रो नहीं करे तो ज्यादा बढ़िया है। मैंने केवल और केवल वीडियो बनाने के पर्पज से आपको बताया, यानी कि मैंने 2,000 रुपए निकाले है ना, उस केस पे मुझे यहाँ पे 500 रुपए मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा, उसके अलावा 2-3% का और 2-1% का और चार्ज लगेगा जो कि मैं उन्हें तुरंत जमा करा दूंगा। तो लगभग जो है मेरे को 540 रुपए के आसपास का या 520 रुपए के आसपास का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। तो भैया केवल और केवल वीडियो बनाने के पर्पज से मैंने एटीएम से विड्रॉ किया, आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर एनी इमरजेंसी है तो आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है, आपने कौन से क्रेडिट कार्ड से आज तक जो है कैश विड्रॉ किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप कौन से ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिसपे आप चाहते हो कि मैं कैश विड्रॉ करके दिखाऊं लाइव जाकर के, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।